हूँ कोमल। आज हम आए हैं जेपी नगर माता के ढाबे पे। ये ढाबा अपने आप में बहुत ही खास है। यहाँ पे दाल रोटी बनती है, बहुत ही स्वाद है। यहाँ पे जो कस्टमर है उनका ये कहना है, और ये भी कहना है कि यहाँ पे संडे वाले दिन डबल डबल लाइनें लगी रहती हैं, जो कि यहाँ पे मतलब इतनी स्वाद खाना वो बनाते हैं, करते हैं बातचीत यहाँ पे ये जो खाना बनाने वाले हैं। भाई माता का ढाबा इतना खास क्यों है? खास क्यों, बहुत पुराना ढाबा की वजह से बहुत धीरे धीरे चल के फिर मशहूर हो गया, और सब कारीगर के हाथ में होता है, कारीगर सामान अच्छा बनाता है, और इसीलिए मशहूर हो गया। हर चीज़ क्वालिटी होती है जी। और क्वालिटी के जैसे कस्टमर इस करके कस्टमर बढ़िया पड़ता है यहाँ पे जी। और जितने भी आइटम है साफ सुथरे वाली चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है जी। इस करके काम ठीक रहता है, क्वालिटी के सामान हम करते हैं। ये ढाबा कितना पुराना है? 30 साल पुराना हो गया। कितना? 30 साल पुराना हो गया ढाबा। ये 30 साल ढाबा पुराना है? 30 सालों से लगातार एक ही बंदा चला रहा है या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, एक ही आदमी चला रहा है जी। और मालिक जो भी है अभी वो नहीं हुई है, उनके माता जी थे, उनके माता एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद में उनके बेटे हैं, उनके बेटे से पोतरा है उनका, वो बैठा हुआ है। ऐसी बात कोई बात नहीं। सो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढाबा है, और यहाँ से बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, टेस्टी खाना होता है। पूछेंगे कौन कौन सी सब्जी और कौन कौन सा मटेरियल ये बनाते हैं? जी यहाँ पे बनाते हैं कढ़ाई पनीर वगैरह हो गया, शाही पनीर हो गया, मलाई कोफ्ता हो गया, चना मसाला हो गया, पालक चना हो गया, पालक कोफ्ता हो गया, और पालक पनीर हो गया, दाल मखनी हो गई, चीज़ टमाटो हो गया, और भी आइटम कढ़ी हो गई, राजमा हो गए, परथा हो गया, और भी आइटम चलते, मशरूम मटर हो गया। कौन सी स्पेशल चीज़ है जो यहाँ पे ज़्यादा बिकती है? यहाँ पे हमारे पास सबसे स्पेशल चीज़ होता है मिक्स वेज होता है, कढ़ाई पनीर होता है, दाल होती है, कढ़ी वो सप्लाई है। दाल में आप ऐसा क्या डालते हो जो लाइनें लग जाती हैं कि शाम को लोग दाल घर पे लेके जाते हैं? दाल इसलिए लाइनें लग जाती हैं, हम दाल देग में बनाते हैं और बहुत समय लगता है उसको बनने में जी। और उसमें मटेरियल डालते हैं, मसाले मसाले डाले जाते हैं, बढ़िया तड़का तैयार किया जाता है जी। फिर अच्छी तरह उसको गड़काया जाता है जी। फिर मसाले लगाए जाते हैं, फिर उसको रख दिया जाता है थोड़ा उसके बाद में सप्लाई करते हैं। ओके। कितने टाइम में वो आपकी दाल जो है जो बहुत फेमस है वो रेडी हो जाती है? कितना टाइम लगता है? 2-3 घंटे? 2-3 घंटा नहीं लगता, कम से कम नहीं लगता तो 4-5 घंटे लग जाते हैं उसको तैयार होने में जी। क्यों देख में थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें तैयार करने में। ऐसा है कि घर पे हम जो दाल सब्जी बनाते हैं वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं जिससे उसके तत्व मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हांडी होती है, देग होती है जिसको बोलते हैं, उसमें वो दाल 4 घंटे के बाद रेडी होती है, तो वो दाल अपना जो असर छोड़ती है वो आप सुनी चुके हो। जेपी नगर में माता का ढाबा बहुत फेमस, बहुत मशहूर है, इतना मशहूर क्यों है वो ज़रूर पूछेंगे। सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मैं उनका पोता हूँ। पहले माता जी चलाते थे, उनके बाद फिर हम चलाते हैं, फादर साहब मैं हम चलाते हैं। दाल में ऐसा क्या खास है? हर कोई दाल का ही गुनगा रहा है। दाल स्पेशल है, ढाबे की स्पेशल दाल है। किस चीज़ की दाल बनाते हो, कौन सी दाल है? दाल माँ की होती है। माँ की दाल। तो और क्या क्या खास है? और शाही पनीर है, मलाई कोफ्ता है, दाल वगैरह, राजमा होती है, कढ़ी वगैरह होती है, मिक्स वेज होगी, और चपाती, बटर नान वगैरह, और कड़ी, राजमा, मटर पनीर वगैरह सब। कहने का भाव यह है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है खाने पीने में, क्योंकि पंजाबी तो वैसे खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि एक तरफ खाना दूसरी तरफ गाना, आपकी मर्जी आपने कहाँ है जाना। सो जो खाने के मतलब पुजारी हैं, जिनको खाना पसंद है, फूडी हैं, वो खाने के पास ही आएंगे। ऐसी ही बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज आपके रूबरू लाते रहेंगे। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।